बड़े सौभाग्य का विषय है, 13 नवंबर से 17 नवंबर तक उज्जैन नगर में, महाकाल की पावन नगरी में, विशाल 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा एवं 84 महादेव के दर्शन की यात्रा का आयोजन रखा गया है। बिटले सेवा समिति द्वारा इस पावन आयोजन में 5 दिवस में 84 महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाए। उज्जैन नगर ही एक ऐसा नगर है जहाँ पर महाकाल बाबा अपनी बहन छिप्रिया के साथ में विराजमान है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बाबा ने यहाँ पर 84 रूप रखे हैं। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक जगह ऐसी है जहाँ पर 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर उज्जैन नगरी में विराजे हैं, छिप्रा के तट पर। इस पुरी पावन आयोजन में आप सब परिवार आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा पुनीत आयोजन पूरे विश्व में पहली बार 84 महादेव की परिक्रमा, दर्शन और यात्रा का कथा का रखा गया है। इसका शुल्क मात्र 2100 रुपये है 5 दिवस का, जिसमें रहना, भोजन, चाय, नाश्ता और 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यात्रा के लिए रखा गया है। आप सभी इस पावन आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बलगांव और इस बलगांव के पुनीत पावन प्रागण्य में भगवान महादेव के भगवान शिव के इस पावन प्रागण्य सिक्ची रिसोर्ट में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़े भाग्यशाली हैं बलगांव के सभी परम भगवदीय वैष्णव जी, आप सभी जो भगवान भूत भावन महादेव की अर्धांगनी माता पार्वती माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा और उस भवानी के नवरात्रे में 9 दिवस में प्रभु की इस पुनीत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कहते हैं जगदम्बा के 9 दिन में जो शिव की शक्ति का शिव की कथा का स्मरण कर लेता है, अगर भगवान शंकर उस पर करुणा कर देते हैं तो माँ जगत जननी खुद उस पर टूटमान हो जाती है, खुद करुणा कर देती है। और इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए,
इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए कि नवरात्रि के 7 दिन और 7 दिन में भगवत भजन का तात्विक सुख श्रवण करने का मौका मिला है। शिव कौन है शंकर को जानने का एक सुंदर मौका हमारे बीच में प्राप्त हो। भगवान शंकर की अर्धांगनी माता जगजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का स्वरूप क्या है? हम पूरी जिंदगी जवारे बोते रहे तो जवारे क्यों बोए जाते हैं? जोत क्यों जलाई जाती है? शंकर की आराधना में सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पर जल का महत्व क्यों है? क्यों गंगा की शादी भगवान शिव से नहीं हुई? नहीं तो पार्वती से ज्यादा तो गंगा शंकर को चाहती थी, और जितना स्नेह गंगा ने भगवान शिव से करा शायद दुनिया में माता पार्वती भी शंकर से इतना स्नेह नहीं कर पाई हुई। जो भगवान शंकर की आराधना मात्र गंगा मैया ने इतनी करी है। हिमालय राज की दो बेटियां हैं, एक बड़ी गंगा है और छोटी पार्वती है। जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो माता पार्वती के जन्म के समय पर माँ जगजननी के जन्म के समय पर देवऋषि नारद जी ने आकर पार्वती का व्याख्यान वर्णन कर दिया कि ये जो कन्या तुम्हारे यहाँ जन्मी है इसको कोई भस्मी रमाने वाला जटा जूट पहनने वाला मृग चर्म बांधने वाला ऐसा इसको पति मिलेगा, पर यदि अगर यही कन्या शंकर की आराधना कर ले तो शिव अगर इसको पति के रूप में मिल गए तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरना जो जन्म लेगा मरेगा फिर जन्मेगा फिर मरेगा। यदि मुझे वरण करना है तो मैं एक ऐसा वरण कर लूं कि जिंदगी में फिर दूसरा वरण करने की जरूरत ही नहीं मिले। एक बार मैं परमात्मा को अपना बना लूंगा दूसरी बार मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। महाराज देवऋषि नारद ने कह दिया कि अगर ये चाहे पार्वती तो इसको शिव रूपी पति मिल सकता है। तो गंगा जी ने सुन लिया पार्वती की बड़ी बहन ने कि शंकर रूपी पति को पाने के लिए शिव की आराधना करना जरूरी है, तो गंगा मैया प्रतिदिन शिव की आराधना करने लगी। एक दिन पार्वती को मालूम कि मेरी बड़ी बहन स्वयं शिव की आराधना कर रही है, मेरी बड़ी बहन शंकर की आराधना कर रही है, और अगर शंकर इसके हो गए तो फिर मैं तो शिव तो मेरे होंगे ना, फिर करूं क्या? तो शंकर से पीछा छुड़ाने के लिए आज पार्वती जी ने एक चाल चल दी, और माता पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा तुझे मालूम है कल एक संत आने वाले हैं, और यदि संत के ऊपर पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगो वो भर मिल जाता है। ये पार्वती जी ने अपनी सहेली से कह दिया। अब ईमानदारी से बोलो अगर संत पर पानी फेंकोगे तो दुआ मिलेगी कि बद्दुआ मिलेगी? अरे बोलो तो बद्दुआ ही मिलेगी ना, अब शब्द ही मिलेंगे कि संत का अपमान कर दिया, ये कोई बात है जो पानी फेंक दो संत के ऊपर? पर पार्वती जी ने कहा संत पर अगर जल फेंका जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे जाते हैं। बस इतना गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, इसलिए कहते हैं कोई बात करे तो कान लगा के कभी ना सुनिए। मालूम पड़े इधर उधर की बात सुन ली तो और आफत हो गया, क्या मतलब ऐसी बात सुनने से? इसलिए हो सके तो किसी की बात नहीं सुनना, अपनी मस्ती में जियो, अपने को जो अच्छा लगे वो आनंद में करो, पर किसी की कोई बात कर रहा है आपस में और तुम कान लगा कर सुनो तो ये कहां की रीति है? गंगा जी ने सुन लिया, और गंगा मैया ने जैसे ही सुना, सुनते ही आज सामने से जैसे ही संत निकल कर गए और गंगा जी ने हाथ में पानी लेकर संत पर फेंक दिया,
अब जैसे ही गंगा ने पानी संत पर फेंका, इतने में तो संत को क्रोध आ गया और संत क्रोध में लाल होकर बोल दिए, अरे गंगा तू तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है, गंगा जा मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि तू अपने स्त्री के स्वरूप को छोड़कर पानी के स्वरूप में बहती रहेगी, ये मेरा तुझे श्राप है। और गंगा अपने नारी के स्वरूप को त्याग कर, स्त्री के स्वरूप को त्याग कर गंगा जी ने एक जल का रूप ले लिया, काय का रूप लिया, जल। अब गंगा जी तो रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए गंगा मैया के। गंगा जी ने पार्वती को देखा और देखते से कहा, तू मेरी सगी बहन है और मेरी सगी बहन होकर तूने मुझे आज नरक का पथ दिखला दिया, मुझे स्त्री के तात्विक सुख से निकालकर जल के रूप में बहा दिया। गंगा जी ने हाथ में जल लिया, पार्वती तू मेरी बहन होकर तूने मुझे छल करा है, आज मैं तुझे श्राप दूंगी। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और शिव जी ने आकर कहा, अरे ओ गंगा तू मेरी पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी और जिस नारी को मैं अपनी पत्नी बनाऊं उसको अगर श्राप लग जाएगा तो मैं पत्नी नहीं बना सकता, तो इसको छोड़। हां गंगा, पर एक बात जरूर है, इस पार्वती ने तेरा अपमान करवाया है, तेरे को श्रापित करवाया है, तो गंगा मैं वचन देता हूं कि मेरी जितनी संतानें होंगी वो सारी संतानों का भरण पोषण पालन तू करेगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, भोलेनाथ मैं आपके बच्चों को पालने को तैयार हूं, पर आपका नाम और मेरा नाम एक दूसरे से जुड़ा रहे ऐसी कोई प्रयास करिए, ऐसी कोई कृपा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, मेरा वचन है गंगा तुझको, जब जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करेगा या गंगा के घाट पर आएगा, तुझे अकेले नहीं पुकारेगा, हर हर गंगे कहकर, गंगे हर कहकर लोग तेरा स्मरण करें और तेरा नाम मेरे नाम के साथ में जोड़ा जाएगा। तब से हिंदू धर्म की रीति है कि गंगा का नाम अकेले नहीं लिया जाता, अगर कोई गंगा का स्नान करे तो हर हर गंगे बोलना पड़ता, गंगे हर बोलना पड़ता। अगर मात्र गंगा जी के नाम से स्नान करोगे तो एक डुबकी का फल मिलता है, एक डुबकी लगाने का फल मिलता है, पर यदि हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाओगे तो 1000 डुबकी का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा में मात्र एक बार हर हर गंगे कहकर महाराज, जिस शिव पुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण नहीं है, साधारण से पुराण नहीं है, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण के अंदर है। कितने श्लोक है? 24। भागवत जी में कितने? 18,000। शिव पुराण में कितने? 24,000। गरुण पुराण में 19,000। तो यहां जो जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण से पुराण नहीं है, कोई साधारण से पुराण का वर्णन नहीं किया है। शास्त्र कहता है 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण के अंदर, 12 संहिता हैं, एक एक संहिता में भगवान शिव के एक एक व्याख्यान का वर्णन किया है, एक एक व्याख्या। हम शिव की आराधना कैसे करें, हम शंकर को कैसे रिझाएं, शंकर को हम अपना कैसे बनाएं, शंकर की आराधना का फल कैसे प्राप्त, शंकर भस्मी क्यों रमाते। और शास्त्र कहता है ऐसी कोई भूमि बता दो जहां शिव नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दिया जाए जहां शंकर नहीं हो। प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि पर, तलातल रसातल पताल तला जितने भी हैं, हर जगह पर भगवान शिव विराजमान है, शिव बैठा।
इसलिए शास्त्र कहता है तेरी कृपा बिना नहीं ले एक कृपा से धार मुक्ति द्वार द्वार तू आयु चरण तिहार भोले तार तार तू जो आपके करीब में बना रहूं तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो आप सांप बन जाओ सांप के पांव नहीं होते हर कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में हमेशा पड़े रहोगे और बाबा भगवान नारायण भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी के लिए सांप बन गए और शंकर जी के गले में जाकर पड़ गए। शिव जी के गले में एक ही सांप देखा होगा देखा वो देखो दस सांप दिख रहे हैं कि एक सांप दिख रहा है अरे बोलो तो एक दिख रहा है ना दस तो नहीं है क्योंकि वो एक ही भगवान विष्णु है एक ही भगवान नारायण है और नारायण स्वयं सांप का रूप रखकर भगवान शंकर के साथ में है अकेले शिव को छोड़ नहीं सकते शंकर नारायण को नहीं छोड़ सकते। ये दुनिया में बड़ा भ्रम हो गया महाराज जी लोग कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर मत जाओ लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो लोग कहते हैं शंकर की पूजन मत करो लोग कहते हैं शंकर का प्रसाद मत लो कोई कहता है शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। भैया हमारा नारायण ऐसी कोई जगह बता दो जहां पर शंकर नहीं हो नारायण का मंदिर बता दो जहां शिव नहीं हो। तिरुपति कौन कौन गया हाथ उठाओ जो तिरुपति गए गए तिरुपति तिरुपति पर जाकर देखोगे तो भगवान वेंकटेश जब तप करने के लिए मृत्यु लोक में आए पृथ्वी पर आए तो भगवान वेंकटेश ने भगवान शंकर से कहा हे भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी करुणा सागर मुझे तप करना है भोलेनाथ। शंकर भगवान से कह रहे हैं भोलेनाथ आप बताइए मैं तप कहां करूं। भगवान वेंकटेश ने जैसे ही पूछा भोलेनाथ जी बोले आप तिरुमाला के शिखर पर आ जाओ और तप कर आइए तप करो। और भगवान वेंकटेश तिरुमाला के शिखर पर तप करने बैठे और बाबा भोलेनाथ कपिलेश्वर महादेव बनकर नीचे तप करने के लिए करें दर्शन आप लोगों ने तिरुमाला गयो तो ऐसी कोई जगह बता दो जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर और शंकर नहीं है ऐसी कोई जगह बताओ। पंडरपुर चले जाओ पंडरपुर में भगवान शंकर जब भगवान नारायण से पंडरीनाथ से हरि विठ्ठल से मिलने के लिए आए तो भगवान हरि विठ्ठल दौड़कर बाहर गए और भगवान शंकर को अपने सिर पर बिठाया और लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। आज भी हरि विठ्ठल के माथे पर भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है पंडरीनाथ का पांडुरंगा हरि विठ्ठल का पंडरपुर में जहां पर मेरे हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में एक हरि विठ्ठल के माथे पर शंकर बद्रीनाथ कौन सा अरे बोलते जाओ बद्रीनाथ किसका था ये कौन बैठा है वहां पे कौन बैठे वहां पे कौन से भगवान है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ भगवान मतलब नारायण ठीक है तो क्या यह बद्रीनाथ नारायण का था क्या किसका था यह भगवान शंकर का निज घर था बाबा भोलेनाथ जी का घर पहले बद्रीनाथ में था यह नारायण का नहीं था यह भगवान शिव का था। भगवान शंकर वहां विराजते थे। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ घूमने के लिए आ गए और घूमते घूमते
बद्रीनाथ में पहुंच गए। अब वहां बेर ही बेर के पेड़, अब लक्ष्मी जी को बेर प्रिय भी थे, उन्होंने तोड़ा खाया। बेर के पेड़ तोड़ते, बेर तोड़ती और खाती, कहीं बैठ जाती कहीं आराम करती। बड़ा सुंदर लगा, बहुत सुंदर जगह है, भगवान माता लक्ष्मी नारायण से कहा इतनी सुंदर जगह आप तो कभी हमें घुमाने नहीं लाए। भगवान बोले कहां से लाता ये जगह, जिनकी है यहां आने की परमिशन नहीं है। जगह तो बड़ी सुंदर है, घनी चौकी है, आप तो हमको लेकर ही नहीं। भगवान बोले अब आई हो तो घूम लो। इतने में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में अलकनंदा नदी को पार कर कर दूसरी ओर पहुंचे, तो अंदर जाके उन्होंने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया तो माता पार्वती ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, शंकर भगवान ने देखा नारायण आए हैं। भगवान शिव उठकर खड़े हो गए, भगवान शंकर उठकर खड़े, और भगवान भोलेनाथ उठकर खड़े होकर बोले नारायण आइए पधारिए, आओ प्रभु आओ। भगवान नारायण अंदर आए, नारायण ने पूरा घर देखा, और पूरा घर देखने के बाद में संपूर्ण परिवार को मिलने के बाद अब नारायण लक्ष्मी को लेकर जाने लगे। तो बीच रास्ते में लक्ष्मी चलते चलते रुक गई, और लक्ष्मी जी ने रुक कर कहा प्रभु सुनो कुछ भी हो जाए पर ये बद्रीनाथ तो मुझे मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी करो पर ये बद्रीनाथ तो मुझको चाहिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी कैसी बात करती है, ये तो भगवान शंकर और पार्वती का गांव है, ये शिव पार्वती का घर है, अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं महाराज मेरे को तो चाहिए। लक्ष्मी जिद पर अड़ गई, और नारी जब जिद पे अड़ती है तो सबसे पहले क्या करती, भोजन छोड़ देती, सबसे पहले खाना छोड़ा जिद पर। अब इतनी जिद पर अड़ी, इतनी जिद पर अड़ी कि लक्ष्मी जिद पर अड़कर भोजन को त्याग दी, यहां वहां डोलती पर भोजन नहीं करती। भगवान नारायण ने खूब समझाया लक्ष्मी लो भोजन करो। लक्ष्मी जी भोजन तो नहीं करूंगी जब तक के बद्रीनाथ मुझे नहीं मिले, और माताओं की आदत है जब तक मंगलसूत्र नहीं बनवाओगे, जब तक चूड़ी नहीं दिलवाओगे, जब तक ये साड़ी नहीं दिलवाओगे तब तक मैं रोटी तो नहीं खाऊंगी, छोड़। प्रभु भगवान खूब समझाए लक्ष्मी मान ले, लक्ष्मी के नहीं मान, नहीं मानी। और जब लक्ष्मी नहीं मानी भगवान ने कहा ठीक है भूखी मत रह मैं तुझको दिलवा दूंगा, ये बद्रीनाथ तेरा हो जाएगा, बस बोल दिया तो बोल दिया। इतने में अभी भी विश्वास नहीं, अभी भी कह रही कितना दिन में, अभी पूछ रही दिन कितने लगे। अब पत्नी प्राण खावे तो पति बोल दे अगली करवा चौथ आन दे, अगली करवा चौथ आएगी जब दिलवा दूंगा। अब अगली करवा चौथ आए तो पत्नी पहले से तैयार हो जाए आपकी बार तो बढ़िया मंगल सूत्र बनने वाला है, बढ़िया सामान मिलने वाला, बहुत बढ़िया। अब फिर 8 दिन निकले और लक्ष्मी जी ने फिर नारायण से कहा प्रभु, भगवान बोले अब जा रहा हूं करता हूं व्यवस्था, बद्रीनाथ तेरा होगा। और भगवान विष्णु गए नीचे और पृथ्वी पर आकर भगवान बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु ने एक छोटे से बच्चे का रूप रखा और रोना चालू कर दिया। कौन रो रहा है, जम के बोलिए भगवान नारायण, रोना चालू। अब विष्णु जी खूब रोए, भगवान विष्णु खूब रोए, खूब रोए। रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई, रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई। और रोने की आवाज जब माता पार्वती के कानों में पड़ी, आवाज पड़ते ही माता पार्वती तुरंत बाहर निकल कर जाने लगी। शंकर जी ने पूछा पार्वती कहां जा रही हो, पार्वती बोली महाराज जी कोई बच्चा रो रहा है। भगवान भोलेनाथ जी बोले फालतू की बात मत करो, किसी के बच्चे को उठा के मत लाना,
क्योंकि शंकर जी को तो मालूम था कि भगवान विष्णु रो रहे हैं। पार्वती जी बोली, प्रभु आप कितने निष्ठुर हो गए हो, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है तो अपने को उसको संभालना पड़ेगा ना, उसको लाना पड़ेगा ना, आप मना कर रहे हो। भगवान बोले, सुन पार्वती एक बात याद रख ले, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए। देखो 50 बार समझा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा गोदी आ जाता है वो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए तुझे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, तो किसी के बच्चे को गोदी मत लेना, तो गोदी मत ले। अरे प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये कोई तरीका होता है? एक बच्चा रो रहा है, उसकी मां से बिछड़ गया है, और बच्चा मां से बिछड़ गया तो उसको लेना तो अपना फर्ज बनता है ना। जब तक उसकी मां नहीं मिलती मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान बोले, पार्वती रुक जा। पार्वती रुकती नहीं, भगवान भोलेनाथ जी रोकने का प्रयास करते पर पार्वती रुकने को तैयार नहीं, रुकने जल्दी। और तुरंत माता पार्वती तुरंत अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची, और अलकनंदा नदी के तट पर जाकर माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु को जो छोटे से बनकर रो रहे थे उनको गोदी में उठा लिया। शिव पुराण कहती है भगवान नारायण को गोदी में लेकर माता पार्वती अंदर आ गई भवन में, और भवन में आकर रह गई। अब शाम का समय हो गया, और शाम के समय प्रतिदिन का नियम था, 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक महादेव भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो अपनी पार्वती के साथ रोज शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं, केवल एक महादेव। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाते हैं। और चले, बाबा भोलेनाथ ने आवाज लगाया, पार्वती चलो घूमने का समय हो गया। पार्वती जी तो किसको लिए गोदी में, भगवान विष्णु को। पार्वती चलो, अब भगवान इसको कहां रखूं? भगवान बोले, और ला उठा के, कहां रखूं? एक काम कर, अंदर छोड़ दे, बाहर से कुंडी लगा दे, जब आएंगे तो बच्चे को भूख लगेगी। तो पार्वती जी से कहा भगवान भोलेनाथ जी ने, तू छोड़ दे, एक दूध का पात्र रख दे, भूख लगेगी पी ले। तो इतना सा बच्चा कैसे पी लेगा? भगवान बोले पी लेगा, तू तो रख दे, तू चल। और बच्चे को कमरे में छोड़कर भगवान तुरंत भोलेनाथ पार्वती को लेकर चल दिए। पार्वती को लेकर चले, और जैसे ही भोले बाबा पार्वती को लेकर गए भ्रमण कर भोलेनाथ जी, घूमने के बाद मेरा महादेव मेरा शंकर वापिस आए तो आकर क्या देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था। अभी ये लगा के गए थे बाहर से और बंद हो गया अंदर से। अब पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया तो कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, फिर कोई नहीं खोले। पार्वती ने पूछा, अंदर कौन है? कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अंदर कौन है? कोई बोल ही नहीं रहा। अंदर कौन है? कोई बोलने को तैयार नहीं। इतने में माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भोलेनाथ अंदर ना जाने कौन है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। शंकर भगवान मन में विचार करे, और छोड़, और उठा के ला, हर किसी की औलाद को और ला। प्रभु तो दरवाजा तो खुलना चाहिए, कौन दरवाजा नहीं खुल रहा। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, जल्दी से दरवाजा खुल जा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी कि अंदर कौन है। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले, और दरवाजा खोलकर निकलकर बोले, भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको दे दो। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती की आंख में से आंसू निकल गए। पार्वती जी की आंख में आंसू, नयनों से रो रही है। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? पार्वती बोल रही, हमारा बना बनाया घर इनने ले लिया। भगवान बोले, तो तेर से बोला ही था कि गोदी में आएगा तो जायदाद का हिस्सा ले जाएगा। जो गोदी आया
तो जायदाद का हिस्सा लेगा, तेरे को बोल दिया। तुझे बोला माना मैंने, प्रभु अपन कहां रहेंगे? बाबा भोलेनाथ जी बोला रहने की जगह थोड़ी ना कम है, दिक्कत इनकी है, इनके पास जगह कम है, अपने पास जगह की कमी नहीं है। फिर विनती कर, भगवान कहते हैं भोलेनाथ नारायण लक्ष्मी आप बद्रीनाथ में रहिए, मैं चला केदारनाथ में रहूंगा। और बाबा को बद्रीनाथ भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दिया कि तुम यहां रहो, और चल दिए वो केदारनाथ के। आज भी नियम है बद्रीनाथ जाओ तो थोड़ी सी चने की दाल ले जाओ। क्या लेकर जाते हैं? चने की दाल। किसके लिए ले जाते हैं? नारायण के लिए नहीं, चने की दाल ले जाकर मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय को बोलकर चने की दाल अगर भगवान बद्रीनाथ को समर्पित करी जाए तो मन की मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है। अब लोग तो जाते हैं पर चने की दाल ले जाते हैं पर नमः शिवाय नहीं बोल पाते। बोलते हैं क्या? नहीं। आप लोग कितने लोग गए बद्रीनाथ? हाथ उठाओ जो जो लोग गए। गए हो बद्रीनाथ? चने की दाल ले गए थे कि नहीं ले गए थे? ले गए थे ना। चने की दाल ले जाने के बाद भी हम शिव का स्मरण नहीं कर पाए। भगवान शंकर का नाम लेकर जो चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर, कई लोगों को आपने देखा होगा बद्रीनाथ में जो मंदिर के पीछे बैठते हैं, आगे नहीं साइड में नहीं, कहां बैठते? पीछे की ओर, पीछे बैठकर भगवत भजन कर, जब कर रहे भगवान का नाम ले रहे, शिव का स्मरण कर। तो कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर शंकर नहीं हो। तिरुपति में भी शिव है तो नाथ द्वारा में एकलिंग जी विराजमान है, द्वारका में घृष्ण जाकर सोमनाथ और नागेश्वर विराजमान है। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां शिव नहीं है, हर जगह। क्योंकि शंकर जैसा दयालु, राम जी की सेवा में तो सुंदर कपड़े चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र चाहिए, पर बाबा भोलेनाथ जी की सेवा में क्या चाहिए? एक लोटा पानी। और दुनिया के लोग इतने आलसी हो गए, पहले हिंदू धर्म की रीत थी कि घर से पानी ले जाओ और शंकर को चढ़ाओ। जो घर से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाते तो 3 दोष नहीं रहते, पहला वास्तु दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोषों का निवारण हो जाता है घर से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाने में। क्योंकि घर का जो मटका होता है, हंडा होता है, वो रसोई घर में होता है और रसोई घर घर के बीच में रहता है। उसमें से जब पानी लेकर जाते हैं तो परिंडे को, हंडे को, मटके को, बाल्टी को, भरे हुए पात्र को पितरों का स्थान कहा जाता है। और वहां से पानी भरा घर में से लेकर चले तो घर का वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों साथ जाता है। और शंकर को जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य का काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। 3 दोष। अब आज के जमाने में पंडित लोग पत्रिका देखते हैं तो सीधे कह देते पितृ दोष है। पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा काल सर्प दोष है, तो पहले के लोगों का पितृ दोष नहीं होता था? पहले के लोगों को काल सर्प दोष नहीं होता था? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले की माताएं घर में से पानी भरकर दूर मंदिर में शंकर को चढ़ाने के लिए जाती थी। तो घर का पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ये सब नहीं होता था। पर आज के जमाने में सब कुछ होता है, क्योंकि मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर, मंदिर के शंकर को चढ़ा देते हो। शंकर जी भी आराम से पानी चढ़वा लेते हैं और चढ़ा ले, क्योंकि व्यक्ति तालसी हो गया कि घर से कौन लेकर जाए, मंदिर कहीं भर लो, मंदिर कहीं शंकर, मंदिर कहीं पानी और मंदिर कहीं लोटा। तो शंकर भगवान बोले कि आई भी काय को, तेरे घर ही आ जा तो वहीं चढ़ा लेती, इतना भी कष्ट क्यों कर। समर्पण क्या? हमारा सको। इसलिए शास्त्र कहता है भगवान शिव के मंदिर में समर्पण का भाव लेकर जाइए,
शंकर को ना जल चाहिए, शंकर को ना कुछ सामग्री चाहिए, क्या चाहिए बाबा भोलेनाथ जी को? पानी भी हो तो चढ़ा दो, फूल हो तो चढ़ा दो, बेलपत्र हो तो चढ़ा दो। और शिव कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर वापिस चढ़ा दो, शंकर स्वीकार कर ले। बाबा भोलेनाथ जी रख ले। महाराज अगर नारायण को पाना है, हरि विठल को पाना है, मेरे पांडुरंगा को पाना है, तो शंकर की कथा सुनना पड़ेगी। इसलिए तुलसीदास जी ने राम कथा लिखने से पहले शिव की कथा लिखी, और वेद व्यास जी ने भागवत लिखने से पहले भागवत में शंकर की कथा पहले लिखी, क्योंकि शिव जहां नहीं होगा वहां पर राम और कृष्ण नारायण कभी मिल ही नहीं सकता। नारायण को पाने के लिए शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शिव की आराधना करना पड़ेगी। एक शिव ही तो है जो किसी चीज को मांगते नहीं है कि मुझे वस्त्र ला कर दो, मुझे आभूषण ला कर दो, मुझे धन दौलत संपदा ला कर दीजिए, मुझे बहुत सारा मिष्ठान, मुझे बहुत सारा पकवान ला कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं मुझे कुछ ना दीजिए, बहुत सारा, बहुत सारा। शास्त्र कहता है कि एक दिन भोले बाबा तुम्हें आना पड़ेगा, मेरी कुटिया आप कृपा करोगे तो जगत कृपा करे। तुलसीदास जी कहते हैं बिगर शंकर को रिझाए राम कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि राम शिव के बिना नहीं रहते और शंकर राम के बिना नहीं, कृष्ण शिव बिना नहीं है और शिव कृष्ण के बिना। लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, जब देख लिया राम जी ने कि सब कुछ कर कर देख लिया, पर ये लंका पर विजय ऐसे नहीं हो सकती, तब बाबा भोलेनाथ को विराजमान किया। कहा? अरे बोलो जम के, रामेश्वर में शिव को बिठाया, क्योंकि शंकर अगर बैठ गया तो ये पक्का है कि काम सफल होगा, क्योंकि भगवान शंकर जहां विराजा हुआ है वहां कष्ट कैसा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव का उपासक है तो काल भी उसका बाल बांका नहीं। काल भी नहीं बिगाड़ता। अगर शिव की आराधना में तुम लीन हो, महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है, शांति मिलती। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है महाराज। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। कितने दिन हो गए? जम के बोलिए।
सात दिन शंकर के समर्पण के दिन है हमारा। वो काशी में जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, कहां पर? काशी में। उनकी स्थापना किसने करी थी? काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे तरस खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर, अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, शिव साधारण नहीं है, शिव जैसा धानी, शंकर जैसा कृपालु दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। करुणा करने वाला, करुणा की मूर्ति, कौन करे ऐसी कृपा? कानपुर कौन करे ऐसी कृपा? और जब तक कृपा, शास्त्र कहता है ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर शिव नहीं। शंकर नाम हर कंकर में शंकर है, और केवल उसको जानना है, पहचानना है। काशी में शंकर की स्थापना विश्वनाथ की अगर कोई कर रहा है तो शनि महाराज कर रहा है। राम जी के काज अगर बन रहे हैं तो शंकर की कृपा से बन रहे। भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाकर पूछा, बताइए हमारे यहां औलाद नहीं है, क्या करा जाए? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा, एक काम करिए, आप शंकर की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक, 16,108 रानियों के साथ 11-11 दिन बैठकर शिव जी की आराधना करी। शंकर प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरी आराधना करी है, जाओ तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,086 बच्चे हुए। किसकी कृपा से? अरे बोलो तो, भोलेनाथ की। तुम्हें जितने चाहिए तुम उतने दिन आराधना कर लो, बाबा भोलेनाथ की।
शिव की कृपा बिना नहीं मिलती। ये बाबा भोलेनाथ की करुणा है, पंडरीनाथ में शिव है तो तिरुमाला में भी शंकर है, नाथ द्वारा में शिव है तो द्वारका में भी शंकर है, बद्रीनाथ में भी शिव है तो केदारनाथ में भी शंकर है, हर जगह पर वही बैठा है। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की ये पावन कथा कर रही है, शंकर एक के बिना ये भूमि शून्य है, शिव के बिना शून्य। और शिव है तो शरीर है, कौन है तो बोलो, जम के बोलो, शिव। शिव क्या? श्वास। शिव क्या है? श्वास। आपके श्वास चल रही है तब तक कल्लू की भाई दिख रही है, जब तक कोई नजर आ रहा है, और श्वास गई जब शिव शरीर में रहता है तब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक वो शरीर रहता है, और जिस दिन इस शरीर में से शिव चला गया उस दिन वो केवल शव हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल शिव गया, शव बन गया। शिव के जाने के बाद शव बना है, शिव है जब तक शरीर है, और शिव गया तो शव बना, फिर कुछ नहीं। शंकर भूमि निर्गुण और राम बिना शंकर नहीं, शंकर बिना राम नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है। एक पुरातन चरित्र आया, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था उसका? देवराज। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, पूरी जिंदगी उसने कमाया, खूब कमाया, पर जीवन में कभी सत्कर्म नहीं कर पाया। वो तो ये बलगांव वालों के भाग्य अच्छे हैं जो नवरात्रि में शंकर की आराधना करने का सौभाग्य मिला है, ये भाग्य अच्छे हैं। ना जाने कौन सा पुण्य कर आए थे बलगांव वाले, जो नवरात्रि में शक्ति की, 9 दिन किसके होते हैं? शक्ति के, और उस शक्ति के दिन में शिव की आराधना कर लेना, शिव और शक्ति की आराधना स्वयं भगवान की आराधना के बराबर है महाराज। तो ये कृपा हुई है कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की, ये करुणा है पूर्वज। और मैं तो ईमानदारी से बोल रहा हूं कि कथा करा भले समिति रही हो भले शिक्षी रिसोर्ट में हो रही हो, पर सही मायने में कहूंगा ये कथा समिति करवा रही हो और शिक्षी रिसोर्ट में हो रही हो बलगांव के, पर ईमानदारी से बात ये है, कथा ना समिति करा रही है ना शिक्षी रिसोर्ट में हो रही है, कथा तो वो मंदिर में बैठा हुआ भोलेनाथ करवा रहा है, उसको सुनना थी, नहीं तो कथा कहीं और हो जाती, फिर शिक्षी रिसोर्ट में क्यों हुई? क्योंकि शंकर को सुनना था। उसने कहा बहुत दिन हो गए, शादी ब्याह तो होते रहते हैं, जन्मदिन और पार्टियां बहुत हो गई, पर मेरी कथा नहीं हुई। इसलिए बाबा भोलेनाथ जी ने बुद्धि बदली और तुरंत ज्योतिष जी से कहा जाओ शिक्षी रिसोर्ट वालों से बात करो, और कहीं भोलेनाथ ने करुणा करी और उनने हां भरी तो ये कथा हो गई। ये कृपा है बाबा भोलेनाथ, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, ये उसकी कृपा। और जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक, और ईमानदारी से बोलो, सही बताना, बलगांव में इतने ही लोग हैं क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं ना, बहुत सारे हैं, पर आप लोग क्यों आए? बाकी के क्यों नहीं आए? शास्त्र कहता है जिसको मनुष्य चुनता है
वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा विश्वनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। आपको मेरे बाबा भोलेनाथ ने चुना है, इसलिए आप सत्संग में आकर बैठ गए। उनको नहीं चुना था इसलिए वो घर पे। जिसको मनुष्य चुने वो संसद में बैठे, और जिसको भोलेनाथ चुने वो, अरे बोलो जमके, सत्संग में बैठे। आपको शंकर ने चुना इसलिए आप सत्संग में बैठे हो, नहीं तो कितने सारे लोग बलगांव में समा जाते हैं। नहीं, भगवान भोलेनाथ जी बोले आड़ा तेड़ा नथू खेरा नहीं आना। बाबा भोलेनाथ जी बोले जिससे मेरी अच्छी फटती हो, जिससे मेरी रिश्तेदारी अच्छी हो, वही मेरी कथा में आना। तो तुम्हारे संबंध बाबा भोलेनाथ जी से अच्छे, किसी ना किसी से तो अच्छे होंगे, या तो शंकर से या पार्वती से या उनका छोरा। वो उधर बैठा सोन सोंडाला नयन विशाला, कौन गणेश जी, या तो उससे संबंध अच्छे होंगे या इधर वाला छोरा कौन कार्तिकेय जी, और अगर इससे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बप्पा, किसी से तो संबंध होगा जो कथा में पहुंचे हो, क्योंकि बिना संबंध के कोई कहीं नहीं जाता। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे आया, गुरु जी हमने कहा बोलो क्या बात है, रिसोर्ट बहुत दूर है हमारे घर से, तो ईमानदारी से बोल तेरी मासी के लड़के की शादी भाई रिसोर्ट में, जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे बोलो तो सरी, खाने के लिए तो तुरंत, भगवान बोले यही तो परीक्षा की घड़ी है, अभी तक खाने आता था, एंजॉय करने आता था, पार्टी करने आता था, अब ये देखना है कि मेरे लिए आता है कि नहीं आता, इसलिए तो कथा यहां रखी है, संबंध देखा जाएगा। संबंध शादी ब्याह में कैमरे लगाए जाते हैं, लगाते हैं शादी में कैमरे, इसमें के काहे के लगाते हैं, ये देखने के लिए लगाते हैं कि लिफाफा किसने दिया कि नहीं दिया। पर यहाँ कैमरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ भागवत महारानी, यहाँ शिव महापुराण, राम कथा, गीता, जो पुराण बच रही होती है वो स्वयं कैमरे का काम करती है कि कौन आया, और जो आकर बैठा है वो मेरा अपना है, उसका कल्याण मुझे करना है, ये शिव कहते हैं, उसको तारना है मुझे, ये शंकर की कथा कहते हैं, वो मेरा अपना। देवराज नाम का ब्राह्मण, तो आप बड़े प्रसन्न होकर घर जाना, हम तो शंकर जी के रिश्तेदार, और जो नहीं आए वो भैरू जी के रिश्तेदार, अब हम शिव जी। भैरू कौन, भगवान शंकर के जो पांव के नख से पैदा हुआ प्रकट, भगवान की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी की करुणा सागर प्रभु की कथा कह रही है। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर खूब कमाया पर कभी सत्कर्म की ओर अग्रण्य नहीं हुआ, महाराज कभी पुण्य की ओर अग्रसर नहीं हुआ। अब एक दिन देवराज ने कमाया तो खूब, कभी दान, कभी पुण्य, कभी सत्कर्म, कभी भगवत भजन, कभी शिवादि कथा, कभी दान, कभी पुण्य, कभी शंकर को एक लोटा पानी तक नहीं चढ़ाया। अब देवराज एक दिन बहुत तेज ताप पड़ गया, बुखार आ गया, और ताप पड़ने के कारण वो शंकर जी के मंदिर में ठंड के कारण मंदिर में जाकर छुप गया, बहुत ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही, मंदिर में जाकर छुप गया। उसी मंदिर में एक पंडित जी बैठे हुए थे, शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। जिस देवराज ने कभी जिंदगी में भगवान का भजन नहीं करा, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी किसी चौखट पर आए हुए कभी गरीब को, भिखारी को, भिक्षुक को, भूखे को भोजन नहीं कराया,
कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, आज शिव के मंदिर में बैठकर ठंड पड़ने के कारण कथा सुनता रहा। कथा पूरी हुई और वह देवराज ठंड के कारण, बुखार के कारण उसी मंदिर में प्राणों को त्याग दिया। देवराज तो मर गया, प्राण तो छूट गए। महाराज प्राण छूटे, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। यम के दूत मंदिर के, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं मंदिरों में कई बार भीड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं। मरते कि नहीं मरते? मर जाते हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी इतनी इतनी लोग दर्शन करने आए, मंदिर में आए, तो फिर इनका आहित क्यों हुआ, फिर मरे क्यों, मृत्यु के घाट क्यों उतरे? मंदिर में तो प्राण नहीं छूटना थे, मंदिर में तो नहीं मरना था, फिर मंदिर में क्यों मरे? और कथा सुनकर लोगों के मन में आश्चर्य यह होता है कि एक तरफ शिव महापुराण की कथा कह रही है कि देवराज मंदिर में विराजमान ने, उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूटने के बाद में देवराज के प्राणों को लेने के लिए यमदूत आए, पर यमदूत उन प्राणों को लेकर नहीं जा सके। भगवान शंकर के गण आते, उतनी देर में शिव स्वयं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, अपने नंदी पर देवराज को बिठाया और स्वयं नंदी को खींचकर कैलाश तक ले गए। 33 करोड़ देवी देवता का स्मरण करते हैं तो भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं, पर शंकर की कथा कहती है शिव के ऊपर कभी जिंदगी में अगर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है तो भगवान विष्णु के पार्षद नहीं, स्वयं शंकर अपने नंदी को लेकर स्वयं नीचे उतरकर तुम्हें नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम तक लेकर जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हें लेने आए, भगवान ब्रह्मा के पास में भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हें लेने के लिए आए, इंद्र के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हें लेने के लिए आए। तो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है ये सारे पार्षदों को भेजते हैं कि जाओ इसको लेकर आ जाओ, पर केवल एक देव अधिदेव, बोलो जमके, महादेव एक ऐसे हैं जो कभी अपने गणों को नहीं भेजते, कभी पार्षदों को नहीं भेजते, भोलेनाथ खुद आते हैं, नंदी पर आते हैं और खुद नंदी से नीचे उतरकर अपनी जीवात्मा को नंदी पर बिठाकर शंकर जी लेकर जाते हैं। शिव बोले हर हर, ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे शिव शिव। बाबा विश्वनाथ देवराज को लेकर गए, समय आया, एक बड़ी सुंदर सी कथा कही महाराज। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुलाली। क्या नाम था? चंचुलाली। और बिंदुक खूब कमाता, लाकर चंचुला देवी को देता। कभी बिंदुक ने भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं करा, कभी कोई दान, कोई पुण्य, कोई भजन नहीं करा, पर चंचुला देवी को ला लाकर नित्य प्रति दिया करता। ले चंचुला, ले चंचुला। आपका पति क्या करता है? कमाकर लाकर किसको देता है? अरे बोलो जमके, किसी दूसरे को देता है कि आपको देता है? बोलो तो, आपको ही देता है ना? या घर में मम्मी होगी, माँ होगी तो माँ को देगा, घर में पापा होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई भाव होगा, कोई बड़े होंगे तो उनको देगा, कोई बुजुर्ग हो, कोई बड़ा हो तो उसको ला कर देगा। चंचुला के पास में धन आता गया। अब तुम्हारा नाम है कि आगे एक संबोधन लिखा रहता धर्म पत्नी, तुम कौन हो? जम के बोलिए, धर्म पत्नी। इनके नाम के आगे कभी कोई महाराज बलगांव में आके बोला धर्मपति? अरे बोलो तो सरी, कभी आया हो महाराष्ट्र में बलगांव अमरावती में और मुंह से बोल गया हो प्रवचन में कि तुम्हारा नाम धर्म पत्नी, इनका नाम धर्मपति? कभी कोई ने बोला? नहीं,
क्योंकि इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था पुराणों में इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि दिन भर दुकान पर बैठेगा, खेती करेगा, कहीं जाएगा आएगा, कमाएगा, परिवार को पालेगा, तो एक रुपए का दो रुपए करने के चक्कर में झूठ बोलेगा, प्रपंच करेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, कपट करेगा। जितने मनुष्य में जितने पुरुष हैं वो सारे बिना झूठ प्रपंच के एक रुपया भी नहीं कमा सकते। तो इनके नाम के आगे कई धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा क्योंकि ये कमाई कैसी भी करेगा, भले झूठ बोल के कमाएगा, भले बेईमानी करके कमाएगा, भले छल करके कमाएगा, लाकर तुमको देगा, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाए तुमको दे, उसमें से दो रुपये निकाल कर कभी धर्म में लगा देना तो पति को भी बेकुंठ ले जाना और तुम भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा। पर कई माताओं ने रुपया निकाला तो शरीर पर वो धर्म में नहीं लगाया, सर पेंटिंग पेंटिंग में लगाया, धर्म में लगाया। भगवान भी सोच रहे बताओ धर्म पत्नी का फर्ज अदा नहीं कर रही है, सब ले जाकर इधर उधर आड़ी तड़ी जगह लगा दिया पर धर्म में नहीं लगा। धर्म पत्नी हो धर्म शास्त्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा करी है, चंचुला देवी भी ऐसी थी। किसके जैसी? अरे बोलो तो, ऐसी थी। लाए जाओ लाए जाओ, खुद के खाने पीने में, डेंटिंग पेंटिंग में, खुद के साज और श्रृंगार में चंचुला लगा देती, पर कभी सत्कर्म में नहीं लगा पाती, कभी धर्म में नहीं, कभी दान में नहीं, कभी पुण्य में नहीं। कितने महाराज चली चली चुना। अब एक दिन बिंदु कमाकर लौट रहा था, गलत कर्म करता था, चोरी करता था, निंदा करता था, चुगली करता था, यहां वहां से चोरी कर कर लाता था, किसी दीवार से नीचे कूद रहा था और पानी भरा था, ध्यान नहीं दिया, कुएं में कूद गया, तैरना नहीं आता था, मर गया, प्राण छूट गए, मर गए। शिव पुराण कहती है तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को बेकुंठ नहीं मिलता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। ये कभी बेकुंठ नहीं जाता, ये कभी तरता नहीं, इसको परम धाम नहीं मिलता, ये नरक प्रेत बनकर भूत बनकर भटकता है। कौन कौन? पहला जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग की अनुभूति नहीं है महाराज, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है महाराज, ये भटक भटक, ये तड़पता है। अब बिंदु बिंदु कुएं में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया, भटकता रहा, प्रेत योनि में पड़कर भटक रहा है महाराज, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं मिला। चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई, कुछ दिन बीते, गांव के लोग मिलकर तीर्थ करने जा रहे थे काशी। कहां जा रहे? जम के बोलो, काशी। पूरी दुनिया में एक ही नगरी है काशी जो मोक्ष नगरी है, जिसको अविमुक्त नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? अविमुक्त। पूरी दुनिया में एक नगरी अभिमुक्त। अभिमुक्त का मतलब है ये अमरावती, ये बलगांव, चाहे सीहोर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे नागपुर हो, पुणे, मुंबई, जितनी भी पृथ्वी है
सारी की सारी एक दिन नष्ट हो जाती है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती। अभिमुक्त का मतलब है जो मुक्त है उसमें कभी वो नष्ट ही नहीं होती। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और आज कलयुग में भी काशी। और कलयुग समाप्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, काशी फिर भी रह जाएगी। अभिमुक्त नगर, पूरी दुनिया में एक काशी एक ऐसी है जहां पर माता पार्वती ने शिव जी से दो वर मांगे थे। किसने? पार्वती। किससे वर मांगे? भगवान भोलेनाथ से। पार्वती जी भगवान शंकर से दो वर मांगी है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा एक वर दीजिए प्रभु कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो उनमें प्रेम बढ़े। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है पति पत्नी में जितना ज्यादा झगड़ा होता है उनमें उतना प्रेम बढ़ता है। पति झगड़ के अगर दुकान भी चले जाता है तो आकर पूछ ही लेता तेरी मम्मी कहां गई, प्रेम बढ़ता। और पार्वती जी ने कहा दूसरा वर दीजिए प्रभु, क्या चाहिए दूसरे वर में? पार्वती जी कहती हैं दूसरा वर ये दीजिए कि महाराज काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम देना। शंकर भगवान बोले पार्वती ये कहां की मूर्खता, ये मूर्खता की बात मत कर। पार्वती कोई मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा? मैं कोई पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को गुरु मंत्र दूंगा? मैं नहीं दे सकता, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं मंत्र नहीं दूंगा। पार्वती जी बोली अगर मंत्र तो तुमको देना पड़ेगा भोलेनाथ। भगवान शिव ने मना कर दिया, पार्वती जी जिद पे अड़ गई, भोजन त्याग दिया, खाना पीना बंद। शंकर भगवान फिर पार्वती को मनाने के लिए पहुंचे, पार्वती मान जा, नहीं पहले वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम दोगे। बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दिया ठीक है पार्वती काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। बोलो हर हर, मैं मंत्र दूंगा तैयार हूं। पार्वती जी बोली परंतु मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने गुरु मंत्र दिया? कितनी चतुर होती है ना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने गुरु मंत्र दिया ये बताओ। तब भगवान भोलेनाथ जी बोले तू बता दे क्या चाहती है। पार्वती जी बोली एक काम करना, काशी में मरने वाले के गुरु मंत्र तुम सीधे कान में देना। कौन से कान में? जम के बोलो जरा, सीधा कान, राइट हैंड में। तो सीधे कान में मंत्र देकर कान को थोड़ा सा मोड़ देना, जब कान मुड़ जाएगा तो वो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती। पार्वती को वचन दिया और उस दिन का दिन आज तक काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था, पर एक बार महेश्वरी भवन काशी में कथा थी, वाष्वी महिला मंडल, इधर वाष्वी महिला मंडल, तो बिदर, तो कथा करने गए काशी। तो हमने बच्चों से कहा इसमें लिखी है शिव पुराण में कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, तो चलो जरा चलते हैं और मुर्दों को देखते हैं। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचे महेश्वरी धर्मशाला, और मणिकर्णिका के घाट पर मुर्दों की लाइन लगी थी। साफ भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते। मुर्दों की लाइन लगी, अब मुर्दों की लाइन लगी, हमने सोचा भैया किसी से कहेंगे कि मुर्दे का मुंह दिखा दो तो लोग कहेंगे तुम इनके रिश्तेदार हो, अब करें तो करेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। लाइन लगी हुई थी, एक से कहा भैया इनका मुंह देख ले।
उन्होंने कहा तुम इनके रिश्तेदार हो, हमने कहा भले रिश्तेदार नहीं, मरे हुए का रिश्तेदार तो भगवान हो, भगवान अपने रिश्तेदार तो ये भी अपना रिश्तेदार। हाँ कपड़ा हटाया, मुंह देखा, उसके तो दोनों कान बराबर के थे, कोई कान मोड़ा ही नहीं था। चिंता लगी कि शिवपुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो ये तो सीधा की सीधा ही है, टेढ़ा ही नहीं हुआ। अगला मुर्दा देखा उसका भी सीधा, और देखा उसका सीधा, और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, और गए तो उसका सीधा, और आगे गए उसका टेढ़ा। हमने कहा किसी का कान टेढ़ा है, किसी का सीधा है, ये क्या लीला है? तो सीधा कान जिसका था उससे पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के काशी से 40 किलोमीटर दूर का, और जिसका कान टेढ़ा था उससे पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के ये काशी की वो वाली कॉलोनी का। तब समझ में आया शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो ये पक्का हो गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा। मंत्र हर हर भगवान शिव, मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा। अविमुक्त नगरी कौन कौन गया काशी में, हाथ उठाओ, गयो सब लोग काशी, जाना चाहिए जीवन में एक बार काशी जाकर, काशी की परिक्रमा कर कर जरूर आना चाहिए। कितने कोस की परिक्रमा है काशी की? 5 कोस की परिक्रमा, 15 किलोमीटर अवश्य। अभी मुक्त नगरी है काशी। चंचुला देवी से गांव के लोग बोले अपन सब तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम चल रही हो? चंचुला देवी ने कहा चलती हूँ, पर कभी जिंदगी में कोई मंदिर नहीं गई, कभी जिंदगी में सत्संग में नहीं गई, कभी कोई जिंदगी में भुलौवा में नहीं गई, कभी कोई जिंदगी में भजन गाने नहीं गई, और आज सोच रही चली जाऊं, अब अकेली तो रह गई, पति मर गया, अकेली बोर होंगी, करूंगी क्या, एक काम करती हूँ, मैंने सुना है बनारस में साड़ी अच्छी मिलती, काशी में साड़ी अच्छी मिलती है, तो चंचुला देवी दर्शन करने नहीं जा रही है, क्या करने जा रही है? शॉपिंग करने जा रहा। अच्छा बहुत लोग रहते हैं तीर्थ करने जाए ना, तीर्थ कम करते हैं, दर्शन कम करते हैं, खरीदी ज्यादा, जाते समय उनके पास एक बैग रहता है और आते समय दो बैग हो जाते हैं, ये बड़े लड़के का, ये बड़ी लड़की का, ये बहू का, ये छोटे का, ये मंजिले का, संजले का, सब ढेर लगा के। अच्छा जो चीज वो खरीद के लाई अपनी बलगांव में भी मिल जाए, अमरावती में भी मिल जाए, पर नहीं, बांध के वहीं से लाएगी, भले नहीं उठ रहा कुली कर लेगी पर लाएगी। चंचुला देवी ने सोचा चलती हूं देख लूंगी, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी, मन तो लगाना पड़ेगा। चंचुला देवी पहुंच गई, और चंचुला देवी जैसे ही पहुंची महाराज उतरते से ही छकड़े में से चंचुला देवी घूमने निकल गई। घूमते घूमते चंचुला देवी एक बड़ के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और चंचुला का मन आवाज सुनकर उस कथा की ओर चली गई। शिव महापुराण में जाकर बैठ गई, सारी पुराण बार बार और शिव महापुराण एक बार, क्योंकि हर पुराण के आगे लिखा है श्रीमद भागवत पुराण, श्रीमद विष्णु पुराण, श्रीमद अग्नि पुराण, श्रीमद ये पुराण, पर एक पुराण है केवल ये, कौन सी? इसके आगे लिखा है शिव महापुराण। सारी पुराण है ये महापुराण, सारी पुराण, हजार हजार भागवत, हजार हजार गीता, हजार हजार राम कथा का स्मरण कर लो, और जिंदगी में एक बार बोलो जम के शिव महापुराण की कथा। शंकर के बिना राम नहीं मिल सकते, राम के बिना शंकर। तुलसीदास जी ने इसलिए
राम कथा में शिव को पहले लिया, क्योंकि जब तक शंकर नहीं होगा तब तक राम नहीं मिल सकता। अब चंचला देवी बेटी कथा सुनने के लिए बढ़ के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण कथा को कर रहे थे, वहां बैठकर कथा सुन रही है, मन लग गया कथा में। अब उसको मालूम नहीं था कि आज कथा का आखिरी दिन। शिव पुराण की कथा कहती है एक मिनट की भी सुनने को मिले तो शिव पुराण में जरूर जा, एक मिनट की भी मिले जरूर। और अगर नजदीक में कथा हो रही हो तो गाड़ी पर बैठकर मत जाओ, पैदल जाओ। अगर नजदीक में हो रही हो, क्यों? शास्त्र कथा शिव महापुराण की कथा में जितने कदम हम चलकर जाते हैं उतने अश्वमेघ यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं, जितने कदम चलकर जाए। आज जितने लोग शोभा यात्रा में आए, जो लोग आए थे ना सुबह, शोभा यात्रा निकली 12 बजे 11 बजे, तो जो लोग पैदल 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 यहाँ तक पहुंच गए, समझ लो उतने अश्वमेघ यज्ञ आपने अपनी जिंदगी के शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे। कथा समापन हो गई। चंचुला देवी ने मन में सोचा मैंने जिंदगी में ऐसी कथा नहीं सुनी जो कथा आज, शंकर की जो कथा मैंने सुनी आज तक नहीं सुनी। अब चंचुला के चित्त में, वृत्ति में, रोमावली में, नस नस में शंकर की कथा समा गई। गंगा का स्नान कर रही थी, पानी में पांव फिसल गया। शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं होती, पर शिव महापुराण कहती है अगर जिंदगी में एक बार किसी ने शंकर की कथा को एक मिनट की भी सुन ली तो उसकी मुक्ति तो तुरंत हो जाती है, चाहे वो कैसे भी मरा। शरीर में कथा चल रही थी, रोम रोम में कथा चल रही, हर हर शरीर में कथा चल रही, रोम रोम में कथा चल रही। कथा को सुन चंचुला के प्राण छूटे, प्राण छूटे तो शंकर की कथा सुनकर प्राण छूटे तो सीधे भगवान भोलेनाथ जी की धर्मपत्नी माता पार्वती की सहेली बन गई, सखी। और एकांत में बैठी थी चंचुला, आज आंख में से आंसू बह रहे थे और नयन में से अश्रु बहते हुए चंचुला को पार्वती जी ने देख लिया। पार्वती ने देखा चंचुला देवी को, अकेले बैठी है और जो कथा सुनकर आई उसका धुन में लग गई और ऐसी धुन लगी। चंचुला देवी चित्त वृत्ति को भगवान के चरणों में लगाकर चुप बैठी। पार्वती जी ने पूछ लिया क्या बात है चंचुला, आज एकदम मौन होकर बैठी हुई है, क्या हो गया तेरे को? चंचुला कहती है क्या बताऊं, मैं तो भगवान शंकर के चरणों में तो आ गई, मैं तो कैलाश तक पहुंच गई, पर मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा, मेरा पति प्रेत योनि में घूम रहा, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं मिला, मैं क्या करूं कि मेरे पति का मोक्ष हो जाए? पार्वती जी ने बोला एक काम कर ले, तू एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले, तेरा पति श्रवण कर लेगा, परम धाम को चला जाएगा, सुख की अनुभूति हो जाएगी। चंचुला देवी ने कहा मैं कथा तो करवा लूं पर कथा करेगा कौन, किससे करवाऊं मैं कथा ले जाएगा? भगवान ने जैसे ही पार्वती ने कहा तो चंचुला देवी बोली मैं कथा किससे करवाऊं, तो शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी बोल दी एक काम कर तू देवऋषि नारद के पास चल, कौन सुनाएगा कथा? अरे बोलो तो नारद, तू नारद के पास, नारद के पास, नारद जी के पास।
और चंचुला देवी ने नारद जी से कहा, नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा कर। नारद जी बोले, बेन कथा तो बाज दूंगा पर श्राप लगा है मुझको कि मैं एक जगह टिक नहीं सकता। तो तू बोले तो थोड़े दिन यहाँ बाज दू, थोड़े दिन वहां बाज दू, एक दिन यहाँ बाजू, एक दिन वहां बाजू, एक दिन वहां बाजू। एक जगह पर बैठ नहीं सकता। तो बोल क्या कर। चंचुला देवी ने कहा, नारद जी तो आप बताओ करें क्या। नारद जी बोले, मैं तो कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा। कि श्राप पर एक मेरे मित्र हैं। चंचुला देवी के सामने नारद जी कह रहे, मेरे एक मित्र हैं जिसका नाम है तुम्बरूका। क्या नाम है? जम के बोलिए, तुम्बरूका। तुम्बरूका जी का देखा है कभी फोटो, कभी दर्शन करें। कभी शंकर जी के मंदिर में दक्षिण साइड में जाओगे आप, साउथ में, तो मंदिर के दरवाजे पर दो मूर्ति मिलती है। एक देव ऋषि नारद की होती है जिनके हाथ में बीणा पकड़े रहते हैं, करताल पकड़े रहते हैं, और दूसरी मूर्ति रहती है तुम्बरूका जी की, जिनके शरीर पर बीणा रहती है, एक हाथ में करताल रहता है और शरीर पूरा नारद जी जैसा रहता है, पर मुंह जो है वो घोड़े का लगा हुआ है। किसका मुंह लगा है? घोड़े। वो तुम्बरूका जी है। कभी आपने दर्शन किए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करें। शंकर जी के मंदिर में, साउथ में जितने शिव के मंदिर होंगे, चाहे रामेश्वर का मंदिर ले लो, चाहे जितने शिव के मंदिर आप साउथ के होंगे, दक्षिण के होंगे, उसमें आपको दो मूर्ति मिलेगी दरवाजे पर, एक नारद जी की, एक तुम्बरूका जी। तुम्बरूका जी घोड़े का मुख। ये तुम्बरूका जी का बड़ा प्रमाण है। शिव कथा बाची थी। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ दो चार महीने चढ़ने के बाद फिर गिर जाता, दो महीने गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, फिर गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता हो, या डॉक्टर ने कहा हो कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही हो, उस नारी को एक काम करना चाहिए, खुद की हाइट का एक मोली, मोली यानी नाड़ा, लच्छा, लच्छा लेकर उसको एक नरियल पर लपेट कर तुम्बरूका जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में उस नरियल को रख देना चाहिए। नारी का बच्चा पूर्ण होता है और स्वस्थ होता है। और अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो इतना सा गुड़ की 60 ढेली लो। कितनी ढेली? 7 टुकड़े गुड़ के लीजिए, सीधे हाथ में लीजिए, और तुम्बरूका जी का नाम लेकर शंकर जी पे से घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को खिला दीजिए। नारी का डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा और स्वस्थ होगा। किसका नाम लेना है? जम के बोलिए, तुम्बरूका। फिर से बोलो, तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका, जिसने शिव महापुराण की कथा कही। शिव पुराण। आज भी नियम है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, विद्या में कमजोर होता है, माता पिता उसको दिन भर कहते पढ़ पढ़ पढ़, तो भी बच्चा नहीं पढ़ता, उसकी चित्त नहीं लगता, उसकी वृत्ति नहीं लगती, तो उसको पीपल के पत्ते पर शहद रखकर तुम्बरूका जी का नाम लेकर हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि को शंकर को पीपल के पत्ते से शहद छिपकवाकर उसी शहद को बच्चे को मंदिर के ओटले पर तुम्बरूका का नाम लेकर चटा दो, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है, पढ़ने में विद्वान हो जाता है। फिर माता पिता को नहीं कहना पड़ता पढ़ पढ़ पढ़, बच्चा खुद पढ़ पढ़ अपनी रुचि से। तुम्बरूका। किसका नाम लेना है? जम के बोलो फिर से, तुम्बरूका। खा मत बोलना, का। तुम्बरूका। महाराज, देवऋषि नारद ने पार्वती से कहा, और फिर निवेदन करता हूं, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग की दवा शिव महापुराण में नहीं है। हर रोग की दवा है शिव। विश्वास रखकर शंकर की आराधना।
क्योंकि शंकर का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय किसको कहते हैं? जो मृत्यु को भी जीत ले। आप लोग जपते होंगे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर पूर्वारुकमिव अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव की आराधना में लगे हो तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आगे अपन कल कथा में सुनेंगे कि शुगर में व्यक्ति शंकर जी को क्या चढ़ाकर पाले कि उसके शुगर का रोग समाप्त हो जाए और जिंदगी भर खूब मिठाई खाए। ऐसी कथा शास्त्र कह रहा है। शिव की कथा कर रही है, करुणा सागर बाबा भोलेनाथ जी की कथा कर रही है। चंचुला देवी वापिस आ गई। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी आप हमको शिव महापुराण की कथा कह दो। तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि कथा तो कहूं पर तुझे कैसे। कोई पूजन में अगर कोई जोड़ा बैठ गया तो बेधब तुझे कर पति तेरा तरेगा, कुल तेरा तरेगा, परिवार तेरा तरेगा, पर एक जोड़े को कथा में कहीं जजमान मनोरथी बनाकर बिठा दिया जाए। इसलिए चंचुला की आंख में जल भर गया कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। क्या मैं जिंदगी भर अकेली कुछ नहीं कर सकती? चंचुला रो पड़ी। पार्वती ने चंचुला को रोते हुए देखा तो कह दिया, तू काहे को चिंता कर, एक काम कर, जजमान तू रहेगी पर पूजन दूसरा करेगा, और कोई दूसरा नहीं। कहां ढूंढने जाएगी चंचुला? शंकर जी से विनती कर कि यजमान वो हो। भागवत के जजमान है राजा परीक्षित। भागवत के यजमान, राम कथा के यजमान है काशी नरेश। पर दुनिया में केवल एक शिव महापुराण एक ऐसी होती है जिसका यजमान है भगवान शंकर। और जो शिव महापुराण के यजमान बने उनको भी धन्यवाद दीजिए। आपको बहुत बहुत कृपाएं बाबा भोलेनाथ जी की, करुणा सागर शिव की, शिव की कृपा। चंचुला देवी ने पार्वती से कहा, पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ, चंचुला देवी कथा करवा रही है, शिव महापुराण की कथा हो और आपको सूचना मिले तो जरूर जाइए, जरूर। और अपने गांव में कथा हो रही है और अगर कहीं से भी सूचना मिले तो 10 लोगों को कहिए शिव महापुराण की कथा हो रही है। इशारा कर कर कहो शिक्षी भवन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। अगर 10 को कहोगे उसमें से अगर एक भी शिव महापुराण की कथा में आ गया तो उसका आधे से ज्यादा पुण्य आपको मिल जाता है और आपके पूर्वज। 50 को कहो जाओ कथा बहुत अच्छी कथा हो रही है, जाइए कथा हो रही है, जाइए। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है, जाइए जाइए। अच्छा सुनिए, अपने बलगांव में शिव पुराण पहली बार हो रही है, सुनिए। भागवत तो बार बार मिल जाएगी पर शिव पुराण नहीं मिलेगी। चंचुला देवी ने पार्वती से कहा, पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती अपन दोनों तैयार हो जाओ, दोनों इसके यजमान बनेंगे। शंकर पार्वती तैयार होने गए, 16 दिन शिव और पार्वती को तैयार होने मिले। कितने दिन? 16 दिन। शंकर को सजने में 16 दिन लगे तो हिंदू धर्म में वो 16 संस्कार हो गए, और पार्वती को सजने में 16 दिन लगे तो वो नारियों के 16 श्रृंगार। जैसे ही शंकर पार्वती सचकर बाहर आए, देवऋषि नारद देखकर अचंभे में पड़ गए, इतना सुंदर स्वरूप
बोले ना, तुम तो जटा बांधते हो, नंगे रहते हो, आज तो तुमने जड़ी वाले कपड़े पहने, साफा बांधा, तुर्री लगाई है, कानों में कुंडल, गले में माला, हाथ में कंगना, पांव में कड़ला, सुंदर मोजड़ी जूता, और पार्वती जी ने भी स्वर्ण हीरे के इतने सुंदर सुंदर आभूषण, सिर पे सुंदर चुंदड़ी, लहंगा चोली। प्रभु ये आपका कौन सा श्रृंगार है? बाबा भोलेनाथ जी बोले, सुन नारद, हम शिव पुराण के यजमान बने हैं, इसलिए कथा सुनने जा रहे हैं, 16 दिन तैयार होकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दे दो, आपके इस सुंदर स्वरूप की पूजन पृथ्वी पर हमेशा होती रहे। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, हम शंकर के ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो ये गणा, ये गोर, ये ईश्वर, ये गोरा, दोनों पृथ्वी पर 16 दिन तक पूजाएंगे और पृथ्वी पर गणगोर कर कर पूजी जाएगी। सोला दिन। आपके बच्चे पूछते होंगे, मम्मी ये कौन है? मम्मी कहती है, शंकर जी, ये पार्वती जी। मम्मी शंकर जी तो नग्न रहते, तो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने? पार्वती तो फूलों का श्रृंगार पहने, तो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनी? और 16 दिन की गणगौर क्यों हो रही? तो उनको बताओ कि 16 दिन की गणगौर इसलिए होती है कि 16 श्रृंगार करके शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर, ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बने थे। उनको बताओ, क्या करती है? झाला देती है। क्यों देती है झाला? चलिए प्रभु, चलिए कथा में, चलिए। आपको भी तभी कहा दस्तक दो, चलो कथा, चलो। ईश्वर जी गोरा जी बनकर चले, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा है, बड़ा मां बहुत, इतना सुंदर श्रृंगार किया, देखकर लोग चकित रह गए। शिव दोनों चल दिए, शिव पुराण सुनने के लिए जब गए, शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा, आप कथा प्रारंभ करिए। तुमरुका जी कहते हैं, कथा प्रारंभ तो करूं भोलेनाथ, इसको रखूं काहे? एक बेलपत्री को रखकर शिव महापुराण की पोथी रखी गई, और पोथी को रखकर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी गई। कथा का प्रारंभ हो, भगवान चंचुला देवी ने पूछा कि पुराण सुनने का नियम क्या है? सबका नियम होता ना, बैठे कैसे, सुने कैसे, क्या नियम? तो कहा, एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो, भूमि पर शयन करो, पत्तल में भोजन करो, जले हुए भोजन का त्याग करिए, बासी भोजन ना करिए, शिव महापुराण की कथा को नियम से। इतना नहीं कर सकते तो एक समय फलहार करो। जानते हो, अभी फलियाल नहीं बोला मैंने, फला, फल का, एक समय फलहार करो और शिव महापुराण की कथा पूरी। अरे बोलो जमके, इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया भगत, साबुदाना की खिचड़ी, बेपर, राजगीरे का सीरा, हलवा, एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर। इतने में काम ना चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर पुराण, अरे बोलते जाओ, बलगांव वाली जी जियो, अच्छे से बोलो, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले, दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण की कथा सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो।
और शिव पुराण की कथा पूरी। कई लोग कहते महाराज जी बताओ शिव पुराण सुनना है तो व्रत रखना पड़ेगा। हमने कहा पहले ये बता तेरे को कोई शुगर या ब्लड प्रेशर प्रेशर तो नहीं, क्यों क्यों अगर मालूम पड़े तेरे को शुगर की बीमारी ब्लड प्रेशर की बीमारी और हम कहते व्रत रखो एक दिन कथा सुने दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहे कथा किसको सुनाएंगे, तो तुम तो खूब चढ़ो और शिव पुराण मन नहीं लगे जेब में भर के लिया मूंगफली खाने चढ़ के और शिव पुराण पुराण नहीं छोड़ मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी और होती है अपने भलगांव में शिव पुराण जाने कितने किस्मत प्रबल हुआ है। महाराज जी चंचुला देवी बोली है प्रभु हमें नियम सुना दे, नियम सुनाए पुराण को प्रारंभ करें और सुंदर श्री महापुराण के महत्व का वर्णन किया वर्णन कर आगे सृष्टि की लीला को अग्रणित कर। और एक और निवेदन है शिव महापुराण की बेलपत्र आज जितनी होगी उतनी तुम दे देंगे, जिनके कमर में दर्द रहता हो जिनके घुटने में दर्द रहता हो पीठ में सिर में दर्द रहता हो 7 दिन प्रतिदिन यहाँ से बेलपत्र मिलेगी, आप उसको चबा चबा कर खाना। जिसका आज घुटना कमर दुख रही हो कल लिखकर भेजना बंद हुआ कि नहीं हुआ। शिव पुराण का नियम है शिव पुराण का बेलपत्र, अगर शिव पुराण की चढ़ी हुई बेलपत्र को चबा चबा कर खाया जाए तो घुटना कमर सिर का दर्द धीरे धीरे बंद हो जाता है। आंखों में जलन हो रही हो रात को नींद नहीं आ रही हो तो बेलपत्र को खाना, पर इस बेलपत्र को रात भर नहीं रखना रात होने से पहले खाया जाता है। तो आज बेलपत्र तो कम है पर हम निवेदन करेंगे समिति को शिवपुराण भागवत शिवपुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति जो रोज कम से कम ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र पोथी पे चढ़ाए और वो बेलपत्र आपको मिले। शिव महापुराण की कथा बलगांव के इस पुनीत पावन प्रांगण में सिक्ची रिसोर्ट में आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली भगवत तत्व का सुख देने वाली और मानव के जीवन का कल्याण करने के लिए मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए ये पुनीत पावन कथा का आयोजन शिवपुराण कथा ज्ञान गंगा यज्ञ समिति बलगांव द्वारा रखा गया। सिक्ची रिसोर्ट में विराजमान भगवान भोलेनाथ जिनके पावन सानिध्य में इस पुनीत पावन कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे आद्य शक्ति मां जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी मां अम्बा और जिनके हृदय में स्वयं शिव विराजते हों उस शक्ति की उपासना के 9 दिवस में भगवान शंकर की कथा सुनना अर्थात शिव को अपना कर लेना और देवी का वर प्राप्त कर लेना ये एक सौभाग्य मिला है बलगांव वालों। हम अथक प्रयास करें तो भी ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत कठिन हो जाता है, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। और जब तक परमात्मा की कहीं कृपा ना हो तो कोई सत्संग में क्या
किसी के घर पर भी नहीं पहुंच सकता। सीधा सा प्रसंग है, भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में गए और दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर तैयार रखे थे। ढेरों सारा पकवान बनाकर रखने के बाद भी भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरवाजे पर भोजन करने पहुंचे ही नहीं। इतनी तैयारी करने के बाद भी भगवान नहीं आए। और वह विदुर जी के यहाँ पर क्या था? विदुर जी के यहाँ कुछ भी नहीं, टूटा हुआ पलंग, और उसमें भी विदुरानी भगवान को देखकर सुध भूल जाती। उसमें भी विदुरानी सुध भूल रही, उसमें भी विदुरानी का चित्त प्रवृत्ति भगवान की भक्ति में ऐसी रमी हुई है कि भगवान को जानने के बाद में भी पलंग पर बिठाती है तो वो भी पलंग टूटा हुआ है। और भगवान को क्या खिलाती है? केले के छिलके। और विदुर जी आकर बाद में वही केले अगर प्रदान करते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, अब मेरे को तो केले के छिलके में जो स्वाद आया वो इस गिरी में नहीं आता, छिलकों के स्वाद में ही मेरी परिपूर्णता हो गई है मां। तो इतना 56 भोग बनाने के बाद भी भगवान उस दुर्योधन के घर नहीं पहुंचते और विदुर के घर पहुंच जाते हैं, तो जरा विचार करो, एक ही हस्तिनापुर में एक ही जगह पर सब रह रहे हैं, पर भगवान दुर्योधन के यहाँ ना जाकर विदुर जी के घर पहुंच गए, विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खा गए। उसी तरह शास्त्र कहता है कि जब तक परमात्मा की करुणा ना हो, जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक भगवान करुणा ना करें, तब तक हम भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच ही नहीं पाते। भले उनके करीब में क्यों ना रहे, भले हम उनके नजदीक में क्यों ना रहे। महाराज शास्त्र कह रहा है, कल्प ने शिव महापुराण का महत्तम श्रवण करा था, शंकर की कथा के महत्तम के बाद में जो चरित्र व्याख्यान किया गया है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए और ब्रह्मा नारायण के पास में पहुंच कर कहते हैं, नारायण मुझे मेरी उत्पत्ति मालूम है कि मैं आपके नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल के पुष्प से मैं प्रकट हुआ। मेरा जन्मदिन मुझे मालूम है, मुझे मेरा प्रागट्य मालूम है कि मैं कब पैदा हुआ। पर भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे राम जी का जन्म भी मालूम है कि कब वो प्रगटे हैं, मुझे कृष्ण का जन्म भी मालूम है कि वो कब प्रगटे हैं। पर महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे एक का जन्म नहीं मालूम कि नारायण आपका जन्म कब हुआ और आपके पिता कौन है, भगवान विष्णु का पिता। आपके पिता हैं कौन और आपका जन्म हुआ कब है? भाई व्यक्ति को ये तो महान होना चाहिए ना कि भाई राम जी अगर नवमी को जन्म है तो रावण कब जन्मा बाबा, अगर भगवान कृष्ण अष्टमी को जन्म है तो कंस कब जन्मा बाबा, उसका भी तो भान होना चाहिए। क्योंकि विरोधी पार्टी का ध्यान रखना पड़ता है, जब लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो जो सामने वाली पार्टी होती है ना उसका पूरा एक डाटा बनाकर तैयार रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है और इसके घर में ये इतनी तारीख को जन्मा है, इसके माता पिता ये हैं, इसका कुल ये है, इसका परिवार ये है, क्योंकि जिससे युद्ध करने जा रहे हो उसका संपूर्ण लेख तुम्हारे पास में होना चाहिए कि इसको मारा कैसे जाए, पछाड़ा कैसे जाए, इसको किस जगह से पछाड़ा जाए, इसको मारने के लिए उत्सुकता कहां से प्रबल करी जाए। उसी तरह शास्त्र कह रहा है, उसी तरह शास्त्र वर्णन कर रहा है, और शास्त्र वर्णन करते हुए कहता है, शास्त्र वर्णित कह रहा है महाराज कि ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान नारायण से पूछा कि आप मुझे केवल इतना बता दो कि आपका जन्म कब हुआ है, आपके पिता कौन है, आपके पिताजी का नाम क्या है। भगवान नारायण ने कहा भैया मेरे पिता को जानना है तो पहले एक काम करो, ये जो पर्वत है इस विशालतम पर्वत को घुमाना प्रारंभ करो, मंथन करना प्रारंभ करो,
सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद सबका मंथन किया जाए और तब मंथन में जो निकलेगा बस वही नारायण के पिता होंगे, ये पक्का है। मंथन कर अब सारे वेद पुराण शास्त्रों का अगर मंथन करोगे उठाकर, तो सबसे पहले वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, सबका लेख अगर कहीं से चालू होता है तो वो शंकर से ही चालू होता है। शिव के बिना कौन हो? कल आपको कथा में कहा था, शरीर कब तक है? जब तक उसमें श्वास चल रही है। श्वास मतलब जब तक उस शरीर में शिव है तब तक वो शरीर है, और जिस दिन श्वास निकल गई तो शव रह जाएगा, केवल शव है, फिर वो हिल नहीं सकता, पड़ा हुआ है, उसका कोई मूल तात्विक सुख नहीं है। फिर केवल एक शव रह गया है, केवल एक ब्रह्म कार्य है। महाराज कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र कह रहा है। भगवान ने शिव की कथा कहते हुए वर्णन करती है, ब्रह्मा जी ने जैसे ही नारायण से कहा, सामने एक पर्वत था और उस पर्वत को घुमाने के लिए प्रारंभ किया। जैसे ही पर्वत को घुमाया, अब पंखा यदि एक पर चलता है तो पंखड़ी दिखती है थोड़ी थोड़ी, पंखा अगर दो पर चला तो पंखड़ी दिखना थोड़ी कम हो जाती, पंखा अगर तीन पर चला तो पंखड़ी दिखना और कम हो जाती है। धीरे धीरे जब वो चार पर पहुंचता है, पंखड़ी की जगह केवल एक घूमता हुआ एक बिंद नजर आता है। उसी तरह जब एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु दोनों घुमा रहे थे, उस घुमाने से एक लिंगायत आकृति उत्पन्न हो गई। मान कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। आपका क्या विचार है बलगांव वालों? अरे बोलो तो सही, शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं क्या? शिवरात्रि मनाने का कारण क्या है? शंकर और पार्वती का विवाह शिवरात्रि के दिन तो बाद में हुआ, पर सबसे पहले शिवरात्रि के दिन अगर कुछ हुआ तो भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर का शिवलिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था। कौन से दिन? जम के बोलो, शिवरात्रि। भगवान शंकर का शिवलिंग का प्रागट्य का दिवस है शिवरात्रि, शिवरात्रि। और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए तो एक लिंगायत आकृति उत्पन्न हो गई। जैसे किसी कुम्हार के यहाँ गए हो आप लोग, कभी कुम्हार के यहाँ मटका बनते देखा? अगर मटका बनते हुए देखा होगा तो जब वो राउंड करता है चक्के का राउंड करता है, और राउंड करने पर जो मिट्टी उसके अंदर रखी रहती है वो एक लिंगायत आकृति में नजर आती है, एक शिवलिंग की आकृति में नजर आती है। शिवलिंग के स्वरूप में नजर आती है। अब जैसे पर्वत घूमा, घूमते 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 एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई महाराज, और वो जो लिंगायत आकृति प्रकट हुई है भगवान उसी समय पर कह दिए, भगवान नारायण ने कहा, बस ब्रह्मा मेरे पिता यही है। कौन? जम के बोलो, शिव। मेरे पिता यही, ये मेरे पिता है। अब ब्रह्मा जी बोले, ये इतना बड़ा शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, शंकर की जो आकृति प्रकट हुई है, ये तुम्हारे पिता हैं तो तुम्हारे पिताजी के चरण का है और सिर का है। आप मंदिर में, अभी यही सिक्ची रिसोर्ट में ही शंकर जी का मंदिर है, आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का सिर का है, मस्तक का है,
दुनिया के लोग भले वो शंकर जी के शिवलिंग पर आंख बनाते हैं, नेत्र बनाते हैं, नासिका बनाते हैं, शिवलिंग पर भले वो स्वरूप बनाते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश जानना, भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण जानना, ये एक अलग बात हो जाती है। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण कहां पर है, तुम्हारे पिताजी का सिर कहां पर है, उनका शीश है कहां, उनके चरण कहां, भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण और शीश देखा जाए, आखिर चरण और शीश है कहां, किस जगह महाराज। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, तो भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी मेरे को तो नहीं मालूम कि भगवान के चरण कहाँ है और शीश कहाँ है, एक काम करो, आपका अगर मन करता है तो आप देखने के लिए जाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैं पाताल में भगवान के चरण देखने के लिए जाता हूँ और आप शीश देखने जाओ। इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले कि मैं अपने पिता का सिर देखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के चरण देखने के लिए जाऊंगा, आप जाओ, आपको सिर देखना है, आप देखिए। यदि आपको सिर देखना है तो आप देखो। ये उसी में का हाल है, जैसे कोई घर में मरता है तो उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसकी चादर, उसका जो पानी, उसका खाने का सामान, सब बाहर पटक दिया जाता है, मरने वाले के साथ उसको बाहर विदा कर दिया जाता है। अब जैसे ही मरने वाला भी बाहर गया और बिस्तर भी बाहर चले गए, कपड़े भी बाहर चले गए, सामान भी बाहर चले गया, पर जो घर के लोग रहते हैं वो अंदर जाकर उसका भले सामान बाहर फेंक देंगे, पर उसकी जो जायदाद है, उसका जो सोना है, उसका जो आभूषण है, उसकी जो रकम है, उसके जो पैसे हैं, उसको वो तो सामान बाहर गया, और ढूंढना जायदाद को, रजिस्ट्री को, सामान को चालू कर दे, उसको चालू। अब जायदाद ढूंढ रहे हैं, सोना चांदी ढूंढ रहे हैं, आभूषण ढूंढ रहे हैं, मरने वाला चले गया, उसका जो खाने पीने का सामान था, कपड़ा जेवर कपड़ा आदि था, वो चले गया, पर अंदर जो ढूंढा जा रहा है वो रजिस्ट्री ढूंढी जा रही है, अंदर जो ढूंढा जा रहा है, पूरे दुनिया के लोग 10 दिन 13 दिन लोग कहते हैं कि अभी 10 दिन 3 दिन दुकान बंद रहेगी, कितने दिन मरने के बाद, अरे बोलो तुम क्या, 3 दिन दुकान, 3 दिन दुकान क्यों बंद करते हैं, क्योंकि 3 दिन में पूरी रजिस्ट्री मजिस्ट्री ढूंढना पड़ती, घर के अंदर पूरा सोना चांदी ढूंढ रहा, ये क्या क्या छोड़ कर गया, क्या क्या दे कर गया, सब ढूंढना पड़ेगा। अब वो ढूंढने का प्रयास कर, अब ब्रह्मा जी जा रहे हैं ऊपर और भगवान विष्णु जा रहे हैं नीचे, भगवान के चरण जानने के लिए, भगवान विष्णु के चरण ढूंढने के लिए, भगवान नारायण मृत्यु लोक में, भगवान नीचे तलातल पताल में जा रहे हैं और भगवान विष्णु सबसे नीचे चले गए। जब भगवान को चरण नहीं मिले, नारायण वापिस आ गए, ब्रह्मा जी और ऊपर जाते गए, भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के लिए, छोर देखने के लिए, आखिरी किनारा देखने के लिए, ब्रह्मा जी जब ऊपर गए, जाते जाते वो भी थक गए, तब वहीं पर एक केतकी का पुष्प मिल गया और केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्प तुम हमारे साथ नीचे चलो। केतकी ने पूछा, मैं काहे को नीचे चलो, अरे केतकी के पुष्प तुम हमारे साथ नीचे चलो और नीचे चल के भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिल गया, शीश मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं, भाई व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका लाभ होता है, अगर मेरा कोई लाभ हो तो मैं झूठ बोलूं, और मैं झूठ बोलूं तो बोलूं क्यों। तो इतने में ब्रह्मा जी बोले, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं पर तुम्हारे को चढ़वाएंगे और तुम्हें सुगंध बनी रहेगी, ठीक है चलो। पर केतकी का फूल बोला, भैया मैंने सुना है झूठ बोलने के लिए एक झूठ को गवाही की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक झूठ और साथ में होना चाहिए, अब करें क्या। तो ब्रह्मा जी ने सामने से गौ माता को निकलते हुए देखा और गौ माता को रोक लिया, ओ मैया इधर आइए। गौ माता तुरंत आई, बोलिए क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, तुम हमारे साथ नीचे चलो, नीचे चलकर क्या करना है, तुम चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को तुरंत भगवान शिव का शीश मिल गया, बस इतना बोल देना और कुछ मत बोलना, चलो।
गौ माता बताइए, ए गौ माता आप बोलिए क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? गौ माता ने बोला हाँ महाराज। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग के शीश का दर्शन किया। इतने में फिर वापिस शिवलिंग में से आकाशवाणी हो, क्योंकि महाराज पूरे देवताओं में एक देव और वो भी देवों का भी देव महादेव, केवल एक शिव ऐसा है जिनको कुछ प्रिय नहीं है, केवल एक प्रिय है और वो सत्य प्रिय है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को क्या प्रिय है? जम के बोलो सत्य। अब कई लोग कहते हैं हम तो हर सावन के महीने में शंकर जी को लोटा भर भर के पानी चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में खूब पानी देते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, महाराज पर कभी शंकर जी प्रकट ही नहीं होते। शंकर जी लोटा भर पानी चढ़ाने से प्रकट नहीं होता? शंकर भगवान पुष्प चढ़ाने से चंदन लगाने से प्रसन्न नहीं होते? भगवान शंकर को चूरमे का भोग लगाने से शिव प्रसन्न नहीं होते? शंकर की प्रसन्नता है सत्य बोलिए, और लोग मरने के बाद बोलेंगे इसलिए जीते जी बोलिए। जीते जी, कई लोग मरने के बाद कोई मर जाता है जम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जम के बोलो राम नाम। अरे बोलो तो सारी, तुम्हारे मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तुम कब बोलोगे? बोलो राम नाम सत्य, केवल एक सत्य है। और हम कई बार कथा में कहते हैं एक बात याद रखो, दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहिए, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, जिसकी यहां मिलने जाओ डर जाते सी कह दो काका जी दादाजी बुआ जी राम नाम सत्य है। मालूम पड़े बुआ जी कुर्सी से नीचे गिर जाए, क्यों रे तू मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं बुआ जी, मरने के बाद लोग सत्य बोलेंगे, पर निवेदन है जीते जी जिंदगी में एक सत्य बोल लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, अंतिम समय सुधर जाएगा, समर जाएगा और जिंदगी आनंदित हो जाएगा। सत्य बोल, सत्य कहां? कई लोगों को देखा सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते और दिन भर झूठ बोलते, क्या मतलब हुई सत्यनारायण की कथा करवाने से? जीवन की सार्थकता सत्य में जियो, और जितना जीवन का आनंद सत्यमय है उतना सुख कहीं नहीं है। क्यों ये झूठ बोल बोल के? तो एक बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान गांव के प्रखर विद्वान पंडित जी मर गए, नरक चले गए, और भी लोग गए फिर मर मर के, तो उन्होंने अपने गांव के पंडित जी को देखा ये तो नरक में पड़े, अपने गांव का विद्वान पंडित और नरक में। पंडित जी से पूछा पंडित जी तुम नरक में क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे गांव के बड़े विद्वान थे, खूब कथा भागवत सत्संग पूजन सब करते थे, मंदिर की पूजन पाठ सब करते, लोगों के पूजन कराते और हमेशा आनंद में रहते, तो तुम नरक में कैसे पहुंचे? पंडित जी बोले मेरी पत्नी के कारण आ गया। तो तुम्हारी पत्नी के कारण नरक कैसे आ गए? पत्नी ने कौन सा तुम्हें नरक भेज दिया? बस पत्नी के कारण आ गया। तो पत्नी ने कैसे नरक भेज दिया? बस क्या करूं, रोज तैयार होके मेरे सामने आती थी और एक ही बात पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मेरे को रोज झूठ बोलना पड़ता था तू बहुत अच्छी लग रही, भले अच्छी नी भी लगती थी तो कहना पड़ता था अच्छी लग रही, उसके चक्कर में झूठ बोल बोल के मैं कितनी भी पूजन पाठ कर लूं दिन भर में एक बार झूठ बोल दूं तो नरक मिल गया। बड़े सौभाग्य का विषय है 13 नवंबर से 17 नवंबर तक उज्जैन नगर में महाकाल की पावन नगरी में विशाल 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा एवं 84 महादेव के दर्शन की यात्रा का आयोजन रखा गया है। बिठले सेवा समिति द्वारा इस पावन आयोजन में 5 दिवस में 84 महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उज्जैन नगर ही एक ऐसा नगर है जहाँ पर महाकाल बाबा अपनी बहन छिप्रिया के साथ में विराजमान हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बाबा ने यहाँ पर 84 रूप रखे हैं।
पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक जगह ऐसी है जहां पर 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर उज्जैन नगरी में विराजे हैं, छिपरा के तट पर। इस पूरी पावन आयोजन में आप सब परिवार आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा पुनीत आयोजन पूरे विश्व में पहली बार 84 महादेव की परिक्रमा, दर्शन और यात्रा का कथा का रखा गया है। इसका शुल्क मात्र 2100 रुपये है 5 दिवस का, जिसमें रहना, भोजन, चाय, नाश्ता और 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यात्रा के लिए रखा गया है। आप सभी इस पावन आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी को जय श्री कृष्ण।